नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कंगना रनौत के बयान का सबको इंतजार था और कंगना रनौत ने बयान दे दिया है। कंगना ने साफ साफ शब्दों में उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया है कि आज अगर आपने मेरा घर तोड़ा है, कल आपका घमंड भी टूटेगा। साथ ही कंगना ने कश्मीरी पंडितों की भी बात की है और बहुत कुछ कहा है अपने बयान में। आप सीधे कंगना से सुनिए उनका बयान। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना, आप सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके घर को आज तोड़ा गया, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह बदले की कार्रवाई थी। कंगना ने यह भी कहा कि पूरी जो गैंग के साथ मिलकर आपने जिस तरीके से किया है वह गलत है, और मुझे आज यह महसूस हुआ कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ था। तो अब जो बात कंगना रनौत कह रही है वो उसके मायने बहुत कुछ हैं। कंगना रनौत का यह बयान बहुत कुछ कहता है। एक बार आप फिर से सुनिए कंगना का यह बयान। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब यहां से देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे सीधे कंगना के इस बयान पर कोई जवाब देते हैं या संजय राउत सामने आते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो संजय राउत ही शिवसेना की तरफ से या सरकार की तरफ से बयान देते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ होता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।